हेलो दोस्तों, आज से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इंटीग्रेशन ऑल फॉर्मूला के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 2023 में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाला है उन सबके लिए मैं स्पेशल जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन सारे चैप्टरों का इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। ये आज आप लोग का दूसरा वीडियो है, इसमें आज मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन ऑल फॉर्मूला के बारे में। इससे पहले मैंने आपको कल डिफरेंशिएशन ऑल फॉर्मूला के बारे में आपको बता दिया है, संभवतः आप लोगों ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। समझकर अगर आप याद रखते हैं तो आप आसानी से हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। जैसे देखिए, लेफ्ट साइड में आपको डिफरेंशिएशन दिखाई देगा और राइट साइड में आपको इंटीग्रेशन दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, डिफरेंशिएशन के मदद से आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकालना है, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा। चलिए तो देखते हैं एक एक करके। पहला फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है डिफरेंशिएशन में, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। ठीक है, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो आपको इतना मिलेगा, और ये हम कई बार आपको करके बता भी दिए हैं। ठीक है, तो x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको मिलता है x के पावर n। और इंटीग्रेशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन का विपरीत प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ये, यानी x टू द पावर n dx, यानी x के पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 और प्लस में c। और इसको याद कैसे करें, तो आप याद रखेंगे x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, यानी पावर में एक जोड़िएगा और उतना ही से भाग दे दीजिएगा। और लास्ट में आपको c जोड़ना है, जो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि अचर। दूसरा फॉर्मूला x, x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा 1 होता है, तो इंटीग्रेशन में आप करेंगे क्या, बस इसको उलट देंगे, यानी 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करें इसका तो हमें मिलेगा x, यानी लिखेंगे x प्लस c। c जोड़ना अनिवार्य है, अगर आप नहीं जोड़ते हैं तो आपका गलत हो सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कांस्टेंट सी। सी मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप सब लोगों को याद होगा जीरो होता है, तो जीरो का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा ये, सिर्फ और सिर्फ सी यानी कि कांस्टेंट। यहाँ पर याद रखेंगे सी या आप के जोड़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल में ज्यादा खास करके आपको के लिखल दिखाई दे सकता है, उससे आप नर्वस नहीं होइएगा। चौथा है लॉग मोड एक्स। लॉग मोड एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1/x। अगर 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें मिलेगा लॉग मोड एक्स, लिखेंगे इसीलिए इंटीग्रेशन 1/x dx, यानी 1/x का इंटीग्रेशन log mod x plus c। लास्ट में आपको c जोड़ना अनिवार्य है। e to the power x का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो सेम का सेम ही रह जाता है। ये वो भाई जो है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है, इसलिए देख लीजिए e के पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e के पावर x plus constant c। आपको c जोड़ना है। क्यों जोड़ना है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और पहला वाला पूरा लंबा वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरा डिटेल्स में बताया गया है। तो ये पांच को फॉर्मूला अभी आप समझ गए होंगे। और हाँ, आपको बता दीजिए डायरेक्टली आपको फॉर्मूला नहीं देखे होंगे डिफरेंशिएशन में, आप लोग हदरिएगा नहीं। ठीक ना, ये बनाया गया इस फॉर्मूला के लिए। ठीक ना, तो ये हो गया। आपको याद क्या रखना है, देखिए लेफ्ट साइड तो आपको पहले से याद है, राइट साइड आपको अब याद रखना है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का क्या होता है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये पांच को फॉर्मूला आप लोगों के नजर आ रहा होगा। अगला देखिएगा, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट नंबर है आप लोगों का छठा, सातवां, आठवां। ठीक है, तो छठा फॉर्मूला है क्या कि a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आप सब लोग पढ़े होंगे। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपको बताया गया था, a टू द पावर x * log a, हमने आपको 14 को फार्मूला जो बेसिक बताया उसी से। ठीक है, अब अगर हम a के पावर x का इंटीग्रेशन करना चाहे तो याद रखिएगा डिफरेंशिएशन में क्या होता है, log a गुना में आता है। यही गुना में अगर हम इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये गुना वाला जो है ना, ये भागा में चला गया आएगा, यानी a टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो a टू द पावर x बटा log a और प्लस में c, तो जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, -1/x² होता है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा, बट ये माइनस जो है हम इधर भेज देते हैं, इसलिए लिखे इधर 1/x² का इंटीग्रेशन, तो माइनस इधर चला आया, तो -1/x plus c। ये सब फॉर्मूला अगर आप याद रखिएगा ना तो आपको बहुत ही फायदा करेगा क्वेश्चन बनाने टाइम। उसके बाद रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा, बट हम ये क्या करते हैं, 2 को ना इधर भेज देते हैं, तो बटा में तो इधर आके गुना में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 1/√x। तो 1/√x का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2 जब इधर आ जाएगा तो आंसर मिलेगा आपको 2√x plus कांस्टेंट, यानी कि सी या के जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको 8 वो अभी हम आपको बताए हैं, जो आप लोगों को बढ़िया से याद हो गया होगा। तो आपको राइट साइड वाला याद रखना है कि a टू द पावर x का क्या होता है, 1/x² का क्या होता है, 1/√x का क्या होता है। तो 8 को फॉर्मूला संभवतः आप लोगों ने अच्छा से देख लिया है। अब हम आपको बताते हैं ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला। तो देखिए यहां पर आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बड़ी अच्छा से याद रखना है, क्योंकि यही तो आपका मेन है। देखिएगा, sin x का डिफरेंशिएशन आप सब लोगों को याद होना चाहिए, cos x होता है, जो आपको याद भी होगा। अब
इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये उलट देंगे, यानी कि कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स प्लस सी। आप माइनस मत लगा दीजिएगा यहां, हम याद रखिए इसको उलट के आंसर निकाल रहे हैं, यानी साइन का डिफरेंशिएशन अगर कॉस हो रहा है तो कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला साइन एक्स, और लास्ट में तो आप जानते हैं कि आपको सी जोड़ना अनिवार्य है। उसके बाद कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आप सब लोग को याद होगा माइनस में क्या होता है, माइनस में साइन एक्स होता है। तो आप क्या करिएगा, जब इंटीग्रेशन करिएगा तो माइनस को इधर भेज दीजिएगा, तो इधर क्या बचेगा साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो माइनस इधर आ जाएगा तो आपका आंसर आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो याद रखना यहां पर यह बात है कि डिफरेंशिएशन में ही साइन का प्लस होता है और कॉस का माइनस होता था, लेकिन कॉस का भी इंटीग्रेशन प्लस में हो गया और साइन का इंटीग्रेशन ही माइनस में आ गया। यहां पर एक नंबर आपका गड़बड़ा सकता है अगर आप कंफ्यूज रहिएगा, तो इस कंफ्यूजन को आप लोग दूर जरूर कर लीजिएगा। अगला फॉर्मूला है टेन एक्स, टेन एक्स का होता है sec square x differentiation। अगर integration की बात करें तो ये वाला उलट किधर आ जाएगा, यानी sec square x का integration करेंगे तो हमें मिलेगा tan x plus c। उसके बाद cot x, cot x का होता है minus cosec square x, और cosec square x का जब integration करेंगे तो ये minus जो इधर था ना इसको हम इधर भेज दिए तो क्या मिलेगा minus cot x plus c। अगर आप यहां minus नहीं लिखते हैं तो समझिएगा कि आपको right side लिख देना, यानी इन वाला minus उठा के इधर ले आते हैं। उसके बाद है sec x, sec x का क्या होता है sec x into tan x होता है। तो अब हम क्या बताइए कि sec x into tan x का इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा sec x, यानी sec x plus c, तो जोड़ते ही है। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस ही है, तो माइनस cosec x into cot x होता है। तो आप क्या करिए इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे यानी cosec x into cot x, तो ये जो माइनस है इसको हम इधर भेज देते हैं तो आपका आंसर आएगा माइनस cosec x plus में c। तो इस तरह से आपको 14 को जो बेसिक फॉर्मूला हमने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था उस सबका इंटीग्रेशन यहां पर हम आपको बनाकर बता चुके हैं डिफरेंशिएशन के मदद से। अब हम आपको बताते हैं इनवर्स वाला भी, आप लोग जानते हैं कि इनवर्स वाला, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग जानते हैं कि 6 गो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसा कि आपको पता ही है sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स और cosec इनवर्स। चलिए इसका भी फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद है 1/√1 − x² होता है, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका e हो जाएगा, तो इसलिए लिखा गया 1/√1 − x² का इंटीग्रेशन ये मिलेगा, यानी sin इनवर्स x प्लस में कांस्टेंट आपको जोड़ना अनिवार्य है। उसके बाद cos इनवर्स x का आपको पता है −1/√1 − x² होता है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस इधर ना रख के हम इधर भेज देंगे, तो सोचिए ये तो क्वेश्चन वही बचेगा 1/√1 − x², तो हमें इंटीग्रेशन क्या मिलेगा ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस cos इनवर्स x + c। और हाँ, यहां पर आपको ये वो कंक्लूजन मिला होगा कि 1/√1 − x² ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो दोनों क्वेश्चन तो सेम है, इसका आंसर साइन में भी आता है और इसी का आंसर cos में भी आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप इस चीज का आंसर साइन में लिखना चाहे तो sin इनवर्स x + c लिखिएगा, अगर इसी चीज का आपकी इच्छा के अनुसार अगर आप cos में लिखना चाहे तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस cos इनवर्स x + c। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर देने का प्रयास करिएगा। उसके बाद है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x के क्या होता है 1/1 + x² होता है, तो सोचिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा, तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा tan इनवर्स x + c। cot इनवर्स x का क्या होता है सेम होता है −1/1 + x² प्लस में इसका माइनस होता है, डिफरेंशिएशन भी आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस को इधर भेज देंगे, तो 1/1 + x², तो ये हमें मिलेगा क्या माइनस cot इनवर्स x + c। तो सोच लीजिए tan का और cot का जो आंसर सेम आया था, तो इसका भी आप याद रखेंगे 1/1 + x² का tan में भी लिख सकते हैं, इसी का आप cot में भी लिख सकते हैं। tan में लिखेगा तो tan इनवर्स x + c और cot में लिखेगा तो माइनस cot इनवर्स x + c। अगर ऑप्शन आपको tan ना दिखाई दे तो cot वाला जरूर मारिएगा माइनस वाला, ठीक है। उसके बाद है sec इनवर्स x, तो 1/√x² − 1 sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो उसी तरह से सोचिए कि 1/√x² − 1 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा sec इनवर्स x + c, लास्ट में c तो जोड़ते ही जुड़ते हैं। अब cosec इनवर्स x का इसी के जैसा होता है, बस माइनस लग जाता है, तो देखिए हम इसमें अगर माइनस हटा दे इधर भेज दे तो क्या बचेगा 1/x√x² − 1, तो ये वाला माइनस जो है इधर आ जाएगा, तो माइनस cosec इनवर्स x + c। तो सोचिए यहां पर आपको एक कंक्लूजन अच्छा से हम बता दें कि इसका जो है दो गो फॉर्मूला है, इसका भी दो गो है और इसका भी दो गो है, तो याद कैसे रखेंगे, तो देखिए इसका अगर साइन में लिखना चाहे तो प्लस साइन इनवर्स x, और इसका अगर कॉस में लिखना चाहे तो माइनस कॉस इनवर्स x। और हां, आप याद रखिएगा ज्यादा खास करके आपको साइन, टैन और कॉट में sec में ही आंसर लिखना है, इसमें आप चाहे तो लिख भी सकते हैं चाहे तो ना भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो तो ऑप्शन पर आपको डिपेंड करेगा। तो ये अभी हमने आपको कहे को बताया 20 को जो बेसिक फार्मूला आप लोगों डिफरेंशिएशन में सीखे थे वही हम यहां पर इंटीग्रेशन का सीखे हैं। उसके बाद 4 को फार्मूला और जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होता है, जैसे देखिए यहां पर आपको पता होना चाहिए, जैसे देखिए
टेन एक्स का भी हम आपको इंटीग्रेशन नहीं बताए, कॉट एक्स का नहीं बताया, सेक एक्स का नहीं बताया और कॉस एक एक्स का। ये जो चार गो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के मदद से इंटीग्रेशन नहीं निकलता, इसलिए इसको आपको स्पेशल याद ही रखना होगा कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन दो गो होता है, एक होता है माइनस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी और एक और होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। उसके बाद कॉट एक्स का एक गो होता है लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। और हाँ, आप कैसे याद रखें, तो देखिए टेन एक्स का दो गो करके ऐसे याद रखिए, एक कॉस में होता है सेक में होता है, तो कॉस वाला माइनस होता है सेक वाला प्लस होता है, बस इस तरह से। कॉट एक्स का क्या होता है, तो लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। सेक एक्स का दो होता है, ज्यादा खास करके आपको यही लगाना है, लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। और कभी कभी आपको यह भी लगाना पड़ सकता है जब ऑप्शन में न मिले ऑब्जेक्टिव रहे तब, कि लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, आप यह भी लिखेंगे। लास्टली है आपका कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, आप यह भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आप चाहे तो अगर ऑप्शन न मिलता है तब आपको यह हो सकता है लगाना पड़ जाए। और देखिए इसका होता है लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस में सी। तो इस तरह से हमने आपको 24 को फॉर्मूला, जो आपका बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो सब हमने आपको पूरा बढ़िया से बताने का प्रयास किया। और हाँ, इस सब को आप याद कैसे रख पाएंगे, तो आप अभी ही कॉपी कलम निकालिए और इस 2400 को फॉर्मूला को खुद से एक बार लिख कर देखिए। और हाँ, आपको राइट साइड वाला जो डिफरेंशिएशन, लेफ्ट साइड डिफरेंशिएशन बताया गया था, उसको नहीं याद रखना है, आपको राइट साइड वाला याद रखना है। ये तो खैर आपको याद रखना ही पड़ेगा, तो हमें लगता है कि आप लोग पूरा बढ़िया से समझ पाएंगे। एक बार अभी लिख कर जरूर चेक करिएगा और आप हमें कमेंट करके भी बता दीजिएगा। तो लास्ट में हम आप लोग से एक छोटा सा सवाल भी पूछ लेते हैं। सवाल आप लोग के सामने में ये रहा स्क्रीन पर कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑप्शन भी आप लोग को नजर आ रहा होगा। अगर आप लोग पूरा बढ़िया से फॉर्मूला समझ पाएंगे तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से। और बात याद दिला दे कि अभी हम आपको ये तो बेसिक सा फॉर्मूला बता दिए, अभी आपको इंटीग्रेशन का और फॉर्मूला बाकी है जो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।